खून की कमी या एनीमिया एक बहुत ही आम समस्या है और शरीर में एनीमिया की प्रॉब्लम डाइट में आयरन की कमी की वजह से, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की वजह से, इंटरनल ब्लीडिंग या फिर इररेगुलर पीरियड्स की वजह से हो सकती है। जिस किसी को भी खून की कमी हो जाती है उसको बार बार सरदर्द होने लगता है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगती है, उनकी सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा ही काम करने पे वो थक जाते हैं। तो ऐसे में अगर एनीमिया का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है और बहुत सारी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में, आपके अपने किचन में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसको आप अपनी डाइट में अपनाकर अपनी इस खून की कमी को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट, आंवला। अगर आप आंवला और चुकंदर का जूस अपनी डाइट में डेली पीते हैं तो बहुत ही जल्दी आप अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आंवला फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स में मदद करता है। आंवला के अंदर विटामिन सी, आयरन और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए आंवला आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंवला अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं तो ये आयरन की एब्जॉर्प्शन बेहतर तरीके से करवा देता है, और अगर आपकी शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होगी तो आरबीसीज की फॉर्मेशन भी अच्छे तरीके से होगी और आपकी खून की कमी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। सेकेंड, मेथी। देखिए, जो मेथी होती है वो एनीमिया के एक क्योर की तरह मदद करती है। वो आपको ना सिर्फ आरबीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करती है बल्कि वेट मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करती है, यहाँ तक कि बहुत सारे गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने में मेथी बहुत अच्छा काम करती है। आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो देती है। आपकी हेयर्स की हेल्थ के लिए भी मेथी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जिन फीमेल्स को PCOS की प्रॉब्लम है या फिर उनको हार्मोनल डिस्टरबेंस है, उन फीमेल्स को डेली सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना चाहिए। मेथी के पानी को बनाने के लिए आपने एक चम्मच मेथी को एक ग्लास पानी में डालना है और उसे तब तक उबालना है जब तक वो उबल उबल कर आधा ना रह जाए। अब आप इसे छानकर ठंडा कर लीजिए और रोज सुबह खाली पेट इसको लीजिए। 15 दिन भी अगर आप इसको ले लेते हैं तो इसका इफेक्ट पूरी बॉडी में आपको खुद दिखने लगेगा। थर्ड, तिल। जो तिल होते हैं, खास करके जो सफ़ेद तिल होते हैं, वो एनीमिया के केसेस में वंडर्स कर सकते हैं। एनीमिया के एक क्योर की तरह आप तिल को यूज़ कर सकते हैं। तिल के अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। ये आरबीसीज की फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तिल ना सिर्फ आपकी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाता है बल्कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके लिए भी तिल बहुत अच्छा है। अब आपने तिल लेना कैसे है? आप एक चम्मच तिल लीजिए, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और उसको पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं। आप ज़्यादा मात्रा में भी तिल ले सकते हैं और इकट्ठा पाउडर बनाकर आप एक बॉटल में स्टोर कर भी रख सकते हैं। अब इसी में से आपने एक चम्मच रोज सुबह खाली पेट एक ग्लास पानी के साथ इसको लेना है। इसको आप लगातार 30 दिन तक लीजिए और फिर अपना ब्लड टेस्ट कराइए, आपको उसमें इफेक्ट जरूर दिखेगा। फोर्थ, खजूर, अंजीर और किसमिस। वैसे तो जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बट ये जो 3 ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बताए हैं ये एनीमिया के केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है और ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स आयरन के अंदर रिच होते हैं। विटामिन सी आपके जो भी आप खाना खाते हैं उसमें से आयरन को एब्जॉर्ब करने में आपकी बहुत मदद करता है और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में आपकी हेल्प करता है। इसलिए अगर आपको भी खून की कमी की प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो आप हफ्ते में 3 बार खजूर, अंजीर और किसमिस को रात को भिगोकर सुबह खाली पेट उसको ज़रूर खाइए। फिफ्थ, बनानास यानी कि केले। देखिए, केले सारे साल आपको मार्केट में मिल जाते हैं और आप जानते ही नहीं हैं कि केलों के अंदर कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फॉलेट होता है, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। पूरी बॉडी के लिए जो केले होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज करवाते हैं, हीमोग्लोबिन के काउंट को ये इम्प्रूव करते हैं, इसलिए आप डेली केले का सेवन ज़रूर करें। सिक्स्थ, सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल।
देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, डाइट में भी बहुत अच्छा आयरन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको खून की कमी हो जाती है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डाइट में आयरन तो ले रहे हैं लेकिन वो खट्टे फल नहीं ले रहे, और जब तक आप खट्टे फल नहीं लेंगे आपके खाने में से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी डाइट में संतरे, मौसमी या फिर नींबू के रस का सेवन ज़रूर करना है ताकि जो कुछ भी आप खाए पिए उसमें से आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो, और आयरन जब एब्जॉर्ब होगा तो ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन, RBCs की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सेवेंथ, एप्पल्स यानी कि सेब। देखिए बचपन से हम ये सुनते आए हैं, एन एप्पल अ डे कैन कीप अ डॉक्टर अवे। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेब के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है और विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपकी पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आयरन RBCs की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसलिए जब आप डेली एक एप्पल खाएंगे तो ये ना सिर्फ आपको एनीमिया से बचाएगा बल्कि आपके खून की कमी को भी बहुत जल्दी पूरा कर देगा। एट्थ, हरे पत्तेदार सब्जियां। हरे पत्तेदार सब्जियां खास करके ब्रोकली, स्पिनच यानी कि पालक और बीटरूट, ये तीनों सब्जियां ऐसी हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट बहुत अच्छे से होता है, और ना सिर्फ इनको लेकर आप अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं बल्कि अपनी पूरी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रख सकते हैं। इसलिए आप अपनी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़रूर करें। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो हर किचन में, हर रसोई में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनको नहीं खाते हैं क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो जंक फूड्स का है, फ्राइड फूड्स का है। लेकिन आप अपनी डाइट में हेल्दी ज़रूर खाएं क्योंकि ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आपको ओवरऑल हेल्दी रखेंगी बल्कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेंगी और आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियों से भी बचा देंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। नमस्कार।